देखते हैं कब तक हमारे गांव गिरिया तक रोड जा पाती है। तो फिर पूरे जंगल जल जाते हैं। आसान नहीं है भाई इस जमाने में घर बनाना। पूरी कोशिश रहेगी इस बार की यात्रा में जाने की। सामान उतारने वाले मिलना भी जरा मुश्किल है। सांप का डर भी रहता है, नीचे भी खिड़की और ऊपर भी खिड़की, तो आराम तो कर नहीं सकते हैं भाई। दौड़ भाग जारी रहेगी। तो सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकले तो आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, प्यारी सी धूप खिली है पहाड़ों में और बर्फीली चोटियां बड़ी सुंदर लग रही है ऐसे में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 8:15 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। अभी अभी मनु भाई का कॉल आया कि गाड़ी बस पहुंचने ही वाली है मनसुना में, तो सबसे पहले उसको वहां पे खाली करवाना है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। दौड़ भाग जारी है भाई सुबह सुबह उठते ही। चलो जी, मनु भी पहुंच चुका है मार्केट में, फटाफट से सामान को उतरवाते हैं। तो चलिए जी, इस गाड़ी में अपना सामान आ चुका है पूरा, ईंटें हैं, सरिया है और सीमेंट भी है। तो ये है जी अपना मनसुना मार्केट। बाकी यहाँ पे इस दुकान पे सामान रखा रहता है, पूरा खाली है। आजकल यहाँ पे सामान उतारने वाले मिलना भी जरा मुश्किल है क्योंकि बहुत लोगों का सामान उतर रहा है। बाइक की कल क्लच वायर टूट गई थी तो आज इसको भी ठीक करवाते हैं। तो यहाँ से ले जानी पड़ेगी सामने गडगू वाली रोड तक। चलो जी, बाइक को ले आए हैं सर्विस सेंटर पे। तो कुछ ऐसे हाल हो रुके हैं क्लच वायर के, मतलब एक ही टाइम पे तो टूटी नहीं होगी इतनी तारें, धीरे धीरे करके टूटी होंगी। चलो जी, क्लच वायर तो डल गई है, लगे हाथों चेन भी टाइट करवा देते हैं। तो चले जी, बड़ी मुश्किल से सामान उतारने वाले मिले हैं यहाँ पे। अब पूरा 1-1.5 घंटा तो लगेगा ही पूरी गाड़ी को अनलोड करने में। आजकल देखिए मनसुना मार्केट में खूब सारी चहल पहल है भाई, बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। आज तो यहाँ पे सामान उतारने वाले मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। ट्रक तो आराम से अनलोड होता रहेगा, तब तक मैं पिछले दिन की वीडियो एडिटिंग का काम भी कंप्लीट कर देता हूँ। आजकल दौड़ भाग इतनी है कि रात को थकान लग जाती है और एडिटिंग नहीं हो पाती है। आज तो सुबह से ही दौड़ भाग है, क्या ही बोले, सारे काम करने जरूरी हैं भाई। बाकी जो सामान अनलोड कराया है उसको घर तक भी पहुंचवाना है जल्दी से। उसमें कुछ ईंटें हैं, कुछ सरिया है, सबसे पहले सरिया, फिर ईंटें, फिर उसके बाद सीमेंट जरूरत के हिसाब से। बाकी दिन होते होते सामने के पहाड़ों पे खूब सारे बादल आने लगे हैं और आसपास 2-4 दिनों में ही देखिए खूब सारी पत्तियां आ गई है इन पेड़ों पे और हरियाली बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। चलो जी, पापा जी भी घर पे पहुंच चुके हैं पूरी गाड़ी को अनलोड करवा के। और आज तो काम वालों की भी छुट्टी है तो कोई दिक्कत नहीं है घर पे। अभी दिन के 2 बजने वाले हैं, अब एक बार लंच करने के लिए पुराने वाले घर की ओर चलते हैं। बाकी आज तो यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ है, काम वाले आज रेस्ट पे हैं, तो हमें थोड़ी देर में फटाफट आके यहाँ पे तराई वगैरह भी करनी होगी। बहुत सारे काम है भाई जो कि करने होते हैं आजकल। चलो जी, अब तो बाइक बिल्कुल सही हो चुकी है, क्लच वायर नहीं डाली तो बढ़िया चल रही है अभी। वो तो अच्छी बात रही कि कल बाइक ऐसी जगह पे खराब नहीं हुई जहाँ पे घना सा जंगल या रात के टाइम पे। अब कुछ दिनों तक मौसम ऐसे ही धूप वाला है तो काफी गर्मी बढ़ने वाली है इन दिनों में पहाड़ों में। यहाँ पे तो कुछ भी पता नहीं भाई, किसी भी टाइम ऊपर से पत्थर आ सकते हैं। अब धूप बड़ी तेज लग रही है जिस वजह से यहाँ घर के रास्ते में ना सांप का डर भी रहता है। सांप भी मास में से बिलों से बाहर निकल जाते हैं धूप सेकने के लिए। बाकी आसपास के बुरांस के पेड़ पे जितने भी फूल लगे थे ना, लगभग 99% फूल सूख चुके हैं। इस साल गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, जिसने बुरांस का जूस बना के रखा होगा ना उसके लिए बहुत बढ़िया है, मस्त में से आनंद लेते रहो जूस का। बसंत ऋतु आते ही चारों ओर निनेरे का शोर भी बढ़ जाता है। किसी टाइम दिखाऊंगा आपको निनेरा नजदीक से, छोटा सा कीड़ा होता है। दिन के टाइम पे इस वाले घर पे बहुत तेज चमक लगती है धूप की और सामने केदार घाटी से मौसम गड़बड़ सा लग रहा है। नए वाले घर पे काम लगा हुआ है तो वहाँ के काम देखना और सब चीजों को मेंटेन करना, सामान को घर तक पहुँचाने की एक बड़ी सी जिम्मेदारी रहती है, सारे काम जरूरी है भाई।
और आजकल तो कुछ ज्यादा ही दौड़ भाग हो रही है छोटे छोटे कामों में भी। बाकी यहाँ अजीब सी भमाड़ सी महसूस हो रही है, मतलब गर्मी गर्मी का माहौल। अभी तो ये शुरुआत है, पता नहीं इस साल कितनी गर्मी पड़ने वाली है मई जून के टाइम पे। दिन तक तो पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से ये चारों ओर धुआं आ रहा है, लेकिन ठीक सामने बरसाल गाँव के पीछे वाले जंगल में देखिए परसों ये आग यहाँ लगी थी, वहाँ से सुलगती हुई ऊपर को चले गई। आजकल यही होता है, कोई गलती से भी थोड़ा आग लगा दे तो फिर पूरे जंगल जल जाते हैं, बहुत नुकसान होता है फिर। बाकी अब चलते हैं नए वाले घर की ओर कुछ काम वगैरह करने के लिए। वैसे आजकल लंच करने के बाद सोने का मन करता है, लेकिन इस साल घर का काम लगा है तो आराम तो कर नहीं सकते हैं भाई, दौड़ भाग जारी रहेगी। तो ऊपर काम लगा हुआ है रोड कटिंग का, तो सामने से बहुत भयंकर धूल और ऊपर से पत्थर गिरे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा यहाँ पे अभी। तो डेली यहाँ पे वेट करना ही पड़ता है क्योंकि रोड कटिंग का काम भी बहुत जरूरी है भाई। देखते हैं कब तक हमारे गाँव गिरिया तक रोड जा पाती है। मौसम इधर से तो गड़बड़ हो रहा है, बस हमें बारिश चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि जिससे जंगलों में लगी हुई आग बुझ जाए। दिन के टाइम पे आजकल मार्केट और आसपास का एरिया बिल्कुल सुनसान सा रहता है, सभी लोग अपने घरों पे आराम करते हैं आजकल। आज तो पूरा कंक्रीट यहाँ पे अच्छे से सूखा हुआ है, नीचे का कंक्रीट ना बहुत ही मजबूत हो गया है, यही चाहिए था हमें। अब ऊपर की तराई की बारी है भाई। बाकी आज तो काम वाले आए नहीं, वो रेस्ट पे हैं, तो कल आएंगे तो कल शायद अब यहाँ ऊपर के दूरबीम वगैरह और जो भी चिनाई आधी हुई है उसको पूरा करेंगे। सोचे अपना घर ऐसी खूबसूरत सी लोकेशन पे है और दरवाजे से बाहर आते ही सामने इतनी बर्फीली चोटियाँ दिखाई देती हैं, बड़ी सुंदर सी। बड़ी तेज हवाएं चल रही हैं अभी, थोड़ा सा बारिश आने को हो रही थी लेकिन वो भी पता नहीं कहीं गायब हो जाएगी इस हवा के बीच में। बारिश आती तो बढ़िया रहता, जो भी आग लगी है जंगलों में कम से कम वो तो कंट्रोल हो जाती। तराई करते करते आज तो सनसेट भी हो चुका है। बाकी आप देखिए सूरज की आखिरी आखिरी किरणें गिरिया गांव से भी दिखने लगी हैं, इस पहाड़ी के इधर आने लगता है सनसेट कुछ टाइम के बाद। और कभी तो यहाँ दो दो तीन तीन बजे ही धूप चले जाती है, आजकल शाम के 5 बजे तक धूप रहती है तो बढ़िया बात है भाई। अभी मैं सीढ़ी की उस वाली लैंडिंग पे हूँ जिसका काम कल हुआ है, और यहाँ से ना पूरे घर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। स्ट्रक्चर को देख के लग रहा है कि यहाँ पे जैसे छत पड़ेगी ना तो एहसास होगा कि काफी ऊंचाई पे आ गए हैं हम नीचे जमीन से, फिर नीचे तो यहाँ काफी गहरी खाई सी लगने लगेगी। और यहाँ से ना ऊपर अपना गाँव भी बड़ा सुंदर सा दिखाई देता है। जैसे ही चाय बनाई तो बाहर हो रही है बूंदाबांदी, पर तेज हवाएं चल रही है ना तो बारिश ऐसे में पता नहीं कहीं गायब सी हो जाती है इन हवाओं के बीच। बाकी पापा जी लगातार लगे हैं तराई वगैरह करने पे पूरी दीवारों पे, जहाँ तराई नहीं है वहाँ ये सफेद सफेद हो गई है, जहाँ तराई होगी वहाँ बिल्कुल नॉर्मल सी हैं। आसान नहीं है भाई इस जमाने में घर बनाना, मतलब कि हर चीज के कॉस्ट ऐसे हैं ऊपर कि क्या ही बोलें, जहाँ देखो वहाँ सिर्फ पैसा ही पैसा चाहिए भाई, उसके बिना कुछ भी काम नहीं होता है। खैर लगे तो हैं, अभी जरा टाइम लगने वाला है घर के काम में, लगभग 2-4 महीने, और कोशिश तो है कि जल्दी से जल्दी काम निपटा दिया जाए ये सारा कुछ। लेकिन इस काम में ना ज्यादा जल्दीबाजी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीजें सोच समझ के करनी पड़ती हैं, कुछ गड़बड़ होगी तो वो जिंदगी भर के लिए अपने साथ चलती रहती हैं। बाकी सामने रांसी गांव की ओर से तो भयंकर वाली बारिश आ रही है कि क्या ही बोले भाई, बहुत ही खराब मौसम हो रहा है। बाकी माँ भी पहुँच चुकी है घर पे, आ जल्दी आ गई। किसके साथ है? माँ की हिंदी बड़ी खतरनाक सी है भाई। शाम भी हो चुकी है और आज हमें ना सरिया ले आने वाले भी नहीं मिले, कहीं ये ना हो कि इस बार हमें ही पूरा सरिया घर तक पहुंचाना पड़े। जितने भी लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए ना सभी कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। पापा जी का जुगाड़ देखिए तराई करने का, बहुत ही बढ़िया भाई, पूरी ऊपर चिनाई तक हो जाएगी तराई। माँ घर पे आई और सीधे खेतों में चले गए काम करने के लिए भाई, मतलब कि दिन भर काम पे लगे रहना क्या ही बोले। पिछली बार इस वाले घर पे हमने जो भी खिड़की और दरवाजे लगाए थे ना उनके साइज जरा कम थे, इस बार थोड़े बड़े साइज के लगाए हैं। तो इस साइड से जो सिमेट्री है ना वो भी मेंटेन रखी है, नीचे भी खिड़की और ऊपर भी खिड़की, पर थोड़ा खिड़की का साइज बड़ा है इस बारी। और इस जगह पे ऊपर आएगा वॉशरूम का वेंटिलेशन, नीचे तो वॉशरूम के मेन दरवाजे हैं। और इस वाले खेत में यहाँ पे हमने बीज वगैरह बोने हैं। और इधर साइड आती है यहाँ देखिए सनसेट के टाइम की लालिमा बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है, और प्रीति की शादी की जो लकड़ियाँ थी वो सड़ने लगी हैं अभी, क्योंकि इनका यूज तो हो नहीं पाया तो फिर ऐसे ही पड़ी रही ज्यादा यहाँ पे। बाहर तेज हवाएं चल रही हैं और मध्यवेश्वर घाटी की पहाड़ी पे जो आग लगी थी ना वो भी खूब सुलगती जा रही है, ऐसे में बारिश तो बंद हो गई। और आज है 6 अप्रैल, अगले महीने 6 मई को भगवान केदारनाथ जी की डोली उखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर से प्रस्थान करेगी केदारनाथ धाम के लिए, और इस दिन पे अगले महीने हम होंगे गुप्त काशी में
उसके बाद पूरी केदार घाटी में यात्रा चलती रहेगी अगले 6 महीने तक। तो क्या आप लोग भी इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, तो अपनी तैयारी शुरू कीजिए। बाकी मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी इस बार की यात्रा में जाने की, देखते हैं क्या क्या होता है आगे आगे। पापा जी अभी तक लगे हुए हैं तराई वगैरह करने पे अच्छे तरीके से, देखिए ढंग से भीग चुकी हैं सारी चीजें। ये काम सबसे जरूरी है जिससे कि घर अच्छे से मजबूत हो जाएगा। यहाँ पे तराई करते करते कांड हो गया था आज, ये देखिए कील सीधे चप्पल में ऐसे घुसी, बाल बाल बचा भाई। आजकल तो रात का खाना ज्यादातर माँ अंगीठी में आग जला के बनाती हैं, तो लकड़ी वाले चूल्हे में बनी रोटियों का स्वाद तो कुछ अलग ही रहता है। बाकी ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय मिल जाए इसकी तो बात ही कुछ अलग है। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय भूमि उत्तराखंड।